हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और बेटा, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31, फोर्थ क्लास 8, सामाजिक विज्ञान की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 5 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। तो 1919 के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है लगातार संघर्ष था, उनकी नीतियों के कारण। वो जो जो भारतीयों के खिलाफ जो रणनीतियां कर रहे थे, जो उनको एक तरह से नौकरियों में हिस्सा नहीं दे रहे थे, बड़े पदों पर आसीन नहीं कर रहे थे, ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उन सबके बहुत सारे रीजन रहे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र था, उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, एक जो जन आंदोलन जो है वो तब्दील होने लगा। जो संघर्ष था उसमें सभी लोग, चाहे वो किसान थे, मजदूर, आदिवासी, चाहे वो स्टूडेंट थे और महिलाएं, सभी इस जन आंदोलन से जुड़ते चले गए। और इस पर जो है प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। तो बेटा, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था, वो 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होकर और 11 नवंबर 1918 तक क्या चला, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और ये विश्व युद्ध जो है इसका बहुत बड़ा एक रोल था, जो संघर्ष चल रहा था उसको जन आंदोलन में तब्दील करने का, ठीक है। तो इससे क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव हुए, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो इस युद्ध से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश भारत सरकार है, ठीक है, ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, यानी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, या आप कह सकते हो कि जो सेना है उसके ऊपर उन्होंने काफी खर्च किया। खर्चों को निकालने के लिए क्या हुआ, क्योंकि देखो विश्व युद्ध में उन्होंने भी जो है यहाँ पर अपना रोल प्ले किया और इसके कारण उनको भारी इजाफा करना पड़ा अपनी सेना की वृद्धि करने में, ब्रिटिश भारत सरकार को। इससे क्या हुआ, अब जब उनको वहां खर्च करना पड़ा तो खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। तो उन्होंने जो टैक्सेस थे उनको बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ने से क्या होगा, जो लोग हैं उनके ऊपर एक तरह से दबाव आएगा। तो सैनिक व्यय में इजाफा, इजाफा क्या होता है बेटा, वृद्धि करना, तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में उछाल आया। तो अब युद्ध में जो है सामान तो चाहिए, तो इसके कारण जो आपूर्ति है जो है उनकी वजह से जो जरूरी चीजें थी वो भी क्या हो गई, वो भी महंगी हो गई, क्योंकि युद्ध हो रहा था और बहुत ज्यादा डिमांड जो है चीजों की बढ़ी हुई थी, जिसके कारण जो देश के अंदर जरूरी चीजें थी उनकी कीमतें बढ़ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या हुआ, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब देखिए, जो बहुत सारी चीजें थी जो कि क्या की जाती थी, देश में बाहर से आयात की जाती थी। अब विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें जो है वो आना बंद हो गई, कमी हो गई, आयात में कमी हो गई, और लोगों को चीजें जरूरतें जो है, लोगों की जरूरतें जो है वो चीजें थी। अब उससे क्या हुआ, जब चीजें बाहर से नहीं मिली तो क्या होगा, जो देश के लोग थे वो ही उद्योगों में इन्वॉल्व हो गए और भारतीय उद्योगों का वहां से बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो अभी कोरोना टाइम में ही जब बाहर से हमारे पास जो हमारे डॉक्टर्स के लिए उपकरण थे, ठीक है, चाहे वो पीपी किट ही क्यों ना हो, आपने बहुत ज्यादा न्यूज में भी सुना होगा कि वो हमें जब बाहर से नहीं मिल रही थी तो क्या हुआ, देश में ही उसके उद्योगों का विस्तार हुआ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हो। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया, तो सेना में जो है ज्यादा से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती की गई युद्ध के कारण, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया। अब जो लोग दूसरे देशों में गए युद्ध में, तो उन्होंने वहां की रणनीतियों के बारे में बताया कि लोग किस तरह से शोषण का विरोध करते हैं, ठीक है, और किस तरह से जो उपनिवेश हैं वो अपनी ताकत दिखाते हैं, सब लोग एक होकर वहां की बड़ी बड़ी शक्तियों को हराते हैं। और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, औपनिवेशिक जिस तरह से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कब्जा किया हुआ था, उसको हम औपनिवेशिक शासन बोलते हैं,
यानी उपनिवेश बनाना, अपना गुलाम बनाना, वो औपनिवेशिक शासन होता है। तो इस तरह सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों का शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। 1917 की रूसी क्रांति बहुत फेमस है बेटा, 1917 की रूसी क्रांति, ठीक है। उसके कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो ये जो क्रांति थी, ये किसान और मजदूरों का संघर्ष की क्रांति थी, जिसके अंदर ये जो समाजवादी विचार थे, ये पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है वो विचार रूसी क्रांति के बाद फैलने लगे, जिसके कारण जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, जो आजादी चाहते थे, उनके विचारों को भी नई प्रेरणा मिली, ठीक है। यानी एक तरह से वो बूस्टअप हो गए देश को आजाद कराने के लिए। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा, ठीक है। तो बेटा 1919 के पश्चात जो है संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा, क्योंकि देखिए हमने अभी पढ़ा कि 1919 के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष था वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदलने लगा, क्योंकि उसमें सभी लोग हिस्सा लेने लगे, चाहे वो मजदूर हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, विद्यार्थी हैं या महिलाएं हैं, सभी इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। और ये एक किसका रूप ले लिया, इसने इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहां से आप इसका आंसर करेंगे, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन कहलाने लगा, क्योंकि 1919 के बाद किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे, इसलिए ये क्या कहलाया, ये जो है जन आंदोलन कहलाया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न दो है, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो बेटा हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ, जो आपूर्ति थी सामान की, ठीक है, वो रुक गई, ठीक है, और सैनिक जो रक्षा वह है उसमें इजाफा हुआ, टैक्स लगा दिया गया, लोग परेशान हुए, तो इस तरह से जो सामान है वो उपलब्ध नहीं हुआ, और इस तरह से जो आंदोलन है वो एक जन आंदोलन का उसने रूप ले लिया, और ऐसा जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका बहुत बड़ा यहाँ पर अहम योगदान है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। देखिए यहाँ से आप आंसर करेंगे प्रश्न दो का, प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक वस्तु की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, ठीक है। तो आयात में जो है कमी हो गई, औद्योगिक वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न तीन है, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो किस प्रकार भारतीय जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला, तो 1917 में रूसी क्रांति से क्या हुआ कि किसान और मजदूरों के संघर्षों के समाचार, समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। यहां से इसका आंसर करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, ठीक है, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिलने लगी और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में, जन आंदोलन जो है वो बन गई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। तो ये होगी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट जो है इसका टॉपिक क्लियर है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।